आप देख रहे हैं मिडकैप बाजार, हमारे साथ जी जो कॉलिंग है सुमित जैन मौजूद हैं जो आपकी क्वेरीज का आंसर करेंगे। अगले कॉलर है मिस्टर अनीश फ्रॉम पानीपत। नमस्कार अनीश जी, आपका सवाल पूछिए। सर आई हैव 50 शेयर्स ऑफ जीएनएफसी एट 225 शॉर्ट टर्म भी है और मैं इस प्राइस जानना चाहेंगे। श्योर सर, मैं इस प्राइस पर और भी खरीदना चाहता हूँ अगर। श्योर, बिल्कुल आपको राय दिला, इनफैक्ट टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपको राय दिलाएंगे। जीएनएफसी सुमित, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? 225 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। अगर ये स्टॉक का परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 175 ऑड लेवल्स पर ये रैली शुरू हुई थी और 280 तक भी ये स्टॉक गया था एंड नाउ इट्स ट्रेडिंग क्लोज टू 210। आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड मे बी इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ये स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? जी, ये स्टॉक जैसा कि आपने कहा 280 से करेक्ट होते आ रहा है। यहाँ पर एक 195 से लेके 198 का जो जोन है वो एक सपोर्ट जोन दिखाई पड़ रहा है। मेरे ख्याल से ये यहाँ पर ये स्टॉक को इसी सपोर्ट जोन के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें। आज जो आप देखेंगे एक फेनोमेना है, मार्केट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो एक था 8020 उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसके लिए काफ़ी सारे स्टॉक्स में आपको 2-3% का की सेल ऑफ नज़र आ रही है, बट ये सेल ऑफ को ना यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक कॉल ना लेते हुए यहाँ पर इसे होल्ड करें और एक 195 के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके ये बने रहे इस शेयर में। तो जीएनएफ से फिलहाल बने रहने की सलाह है आपको। जीएनएफसी ऑलमोस्ट 3% की कमजोरी आज के सेशन में देखने को मिल रही है, लेकिन बाजार के जो दिग्गज हैं उनकी बैलेंस शीट कैसी रहती है ये समझने की कोशिश करते हैं। अंचल मेरे सहयोगी मौजूद भी हैं। अंचल, सुबह से ही हम जितने भी बिग बुल माने जाते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके शेयर्स का प्रदर्शन कैसा रहा, पोर्टफोलियो का प्रदर्शन कैसा रहा, इसे हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। 2016 में प्रोफेसर शिवानंद मानेकर जो कि एक और दिग्गज हैं, उनके पोर्टफोलियो का प्रदर्शन कैसा रहा है? शुक्रिया पल्लवी। देखिए उनके पोर्टफोलियो पे भी आएंगे, लेकिन पहले आपको एक रिकैप के तौर पर बता देते हैं। सबसे पहले राकेश झुंझुनवाला की बात कर लेते हैं। बाजार के असली बिग बुल माने जाते हैं और उनका पोर्टफोलियो 2016 में 2% बढ़ता हुआ दिखा। ज़्यादा कुछ तेजी दिखी नहीं। एक तरफ कुछ शेयर थे जिन्होंने बेहतरीन रिटर्न दिया, वहीं दूसरी ओर काफ़ी सारे शेयर थे जहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होता हुआ दिखा और अब उनका पोर्टफोलियो 6,514 करोड़ पे स्टैंड करता है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें एक और दिग्गज जिनको राकेश झुंझुनवाला अपना गुरु मानते हैं, आर के दमानी, राधाकृष्ण दमानी, इनके पोर्टफोलियो में करीब 15.5% की बढ़त रही। देखिए ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ी कंपनियों इनकी पोर्टफोलियो में कम कंपनियाँ हैं, ज़्यादा बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है किसी भी कंपनी में, लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्डअप किया। इन्होंने 1260 करोड़ रुपये अब इनका पोर्टफोलियो 2016 में है। अब जहाँ तक रही बात प्रोफेसर मांगेकर की, देखिए नॉर्मली इन सब दिग्गजों के बीच में प्रोफेसर मांगेकर को एक लॉन्ग टर्म साइलेंट इन्वेस्टर माना जाता है। वो निवेश काफ़ी सारे शेयरों में कर चुके हैं, लंबी अवधि से निवेशित रहते हैं और इस बारी भी 2016 में अगर आप इनका ट्रेंड देखें तो बाकी जो दिग्गज इन्वेस्टर थे उनके विपरीत इस बारी 30% का घाटा 2016 में प्राइमा फिथी देखने को मिल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है पल्लवी, अगर आप 2016 से इसे कंपेयर करें तो डेफिनेटली लॉस है, लेकिन अगर इनकी आप होल्डिंग जब से इन्वेस्टेड है तब से कंपेयर करें तो कई गुना का प्रॉफिट है। देखिए कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको। इनकी होल्डिंग लक्ष्मी विलास बैंक में 2016 का टॉप परफॉर्मर भी है इनके लिए, एक अच्छी खासी होल्डिंग रखते हैं और 2016 के अंदर 46% का रिटर्न इन्होंने लक्ष्मी विलास बैंक से जनरेट किया है। इस बार ही उनके पोर्टफोलियो का इकलौता परफॉर्मर है, लेकिन इसके अलावा जो टॉप डैगर्स रहे हैं 2016 में उसमें वो खाड 57% स्लाइड हुआ है। वो खाड़ में इन्होंने हाल ही में अपनी होल्डिंग बेची भी है तो, लेकिन वो खाड़ में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है पल्लवी, इन्होंने 240-250 के लेवल पर वो खाड़ खरीदा था, 1500 से हाई का देखकर इन्होंने फाइनली अब प्रॉफिट बुक किया है 900-950 के लेवल्स पे। तो आप खुद देखिए 2016 में नुकसान ज़रूर हुआ है लेकिन इनकी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले बेहद ज़्यादा गेंद आते हुए दिखे हैं। सेम चीज़ सीक्वेंट साइंटिफिक में 56% का लॉस इस 2016 में दिख रहा है और स्ट्राइड 18.5% का लॉस है। तलवा का एक और शेयर है, इनका 15% का लॉस यहाँ पे है और HCL इन्फो सिस्टम्स यहाँ पे 4.5% का लॉस है, लेकिन HCL इन्फो सिस्टम्स में भी इन्होंने वुखाड़ की तरह अपनी होल्डिंग को अपना प्रॉफिट जो बुक किया है। श्योर अंचल, बट यू टॉकिंग अबाउट ऑल दिस इंडिविजुअल्स जो एक मार्केट के लीडर हैं और यहाँ पे लेकर लार्जर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है दे टेंड टू फॉलो देम एज वेल, बट मोस्ट इंटरेस्टिंग डेटा जो आप लेके आए हैं ये लॉस एज वेल एज प्रॉफिट का, बट ऑल दोज शेयर्स दे हैव डन वेल टू बिगिन विद प्रोफेसर मांगेकर, इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट एज वेल अंचल। देखिए जो डिपेंडेबल शेयर्स की बात अगर मैं कहूँगा, जो प्रोफेसर मांगेकर के डिपेंडेबल शेयर है उनमें सबसे पहले तीन ही नाम आते हैं। सबसे पहला तलवरकर,
आईपीओ जब आया था तब से उनके पास है, आईपीओ में उन्होंने शेयर खरीदे थे और आज भी भरोसा कायम है। करीब 5.83% की होल्डिंग रखते हैं कंपनी में और अगर आप शेयर का ट्रेंड देखें 5 साल में शेयर दोगुना हो चुका है। वहीं दूसरा शेयर सीक्वेंट साइंटिफिक का एक और साउंड होल्डिंग है इनकी, यहाँ पे करीब 3.76% होल्डिंग है सीक्वेंट साइंटिफिक के अंदर। बेशक 5 साल में शेयर 3 गुना हुआ है लेकिन अगर आप इसका ट्रेंड देखें करीब 2009 से होल्डिंग है, अगर तब से देखें तो शेयर ऑलमोस्ट 5 गुना तक का रिटर्न दे चुका है। और साथ ही स्ट्राइड शासन ये तीसरा डिपेंडेबल शेयर है इनका, इसमें इनके पास 3.38% होल्डिंग है और अगर आप देखें अक्रॉस द बोर्ड इनके पूरे पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स स्ट्राइड शासन से आए। तो ये 3 शेयर हैं प्रोफेसर मांगेकर के जो उनके जिन्हें कहते हैं डिपेंडेबल स्टॉक्स, कई काफ़ी सालों से होल्ड कर रहे हैं और अभी भी एक करेक्शन आने के बावजूद भी मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। जी, तो जो डिपेंडेबल शेयर्स हैं उनमें तलवल का, सीक्वेंस साइंटिफिक और स्ट्राइड शासन शामिल है। हालांकि आज कुछ लालचन इसमें दिखा लेकिन लॉन्ग रन में ये वो शेयर्स हैं जिन्होंने एक अच्छा मुनाफा प्रोफेसर मानकेकर को दिया है। शुक्रिया अंशल बताने के लिए तमाम स्टोरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने बताया जो भी डेटा आपके पास था कि जो शेयर्स जहाँ पर इन्हें नुकसान हुआ और साथ ही मुनाफा 2016 के अंदर देखने को मिला।